सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। बाकी बढ़िया हो ना यार? नहीं हो तो कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई जाके ठीक कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं कैसे आपका ठीक कर सकता हूँ? बस मैं अपनी तरफ से दुआई कर सकता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया से और अच्छे से रहे। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। वाई देख गाइस, फिलहाल अभी आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन में कैमरा शेक वाले वीडियो को जो देख रहे हो ना, अभी काफी ज्यादा वो वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस प्रकार का वीडियो एडिट करना है तो इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। बाकी दोस्तों, आपको यहाँ पर एक फोटो का जरूरत पड़ेगा जो दोस्तों ऑब्वियसली आपकी गैलरी में जरूर होगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ। देन आपको वहां पर दिखाता हूँ किस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। साथियों, इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए आप अगर मेरे वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो गाइस, सबसे पहले आप किसी एक वीपीएन ऐप को कनेक्ट करना होगा। मैं गाइस यहाँ पे टर्बो वीपीएन का यूज करता हूँ, जिसको दोस्तों मैं यहाँ पे लॉस एंजलस पे यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, सॉरी लॉस वेगास पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। आपको पता ही होगा दोस्तों, कैपकट ऐप इंडिया में बैन हो चुका है। सो गाइस, आपको इसको यूज करने के लिए किसी एक वीपीएन ऐप को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। अब जाके दोस्तों, अभी आपको अपना जो कैपकट ऐप है यहाँ पर ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस आप फोटोज वाले ऑप्शन में जाइएगा। जाकर साथियों, यहाँ पर अभी आपको जिस भी फोल्डर में फोटो है उस वाले फोल्डर को गाइस आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। यहाँ से दोस्तों, अभी आपको अपना जो फोटो है उसको गाइस आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सर्वेंद्र भाई का जो थोर वाला फोटो है इसको गाइस मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अब गाइस आप यहाँ पे नीचे में अगर देखते हो तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सेट कीजिएगा। यानी जो फोटो है अपने डबल फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेनी होगी। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, अभी आपको अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है फोन का, उसको आपको ऑन करना होगा। तो मैं गाइस आपके लिए पहले ही वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, मेरा यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अब गाइस आपको यहाँ पे नीचे में अगर देखते हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कैमरा शेक का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों यहाँ पे कैमरा शेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का गाइस आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखेंगे। सो गाइस, ये जो सारा चीज है आपको यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग में कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कम्प्लीट होने तक का वेट करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको आपको स्टॉप कर लेना होगा। स्टॉप कर लेने के बाद दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको दोस्तों डिलीट करके आप यहाँ पर हटा लीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों, अभी आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आना होगा। यहाँ पर गाइस आप प्लस का मार्क सेलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, अभी आप यहाँ पर जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेव किए थे वो गाइस आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही दिखेगा। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पे अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। देन अभी आपका जहाँ पे 99% हो रहा था ना, उसी जगह पे आप यहाँ पे जाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देख सकते, इस जगह पे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों, जहाँ से एक से स्टार्ट हो रहा है इतना पार्ट में आके यहाँ पर दोस्तों स्पीड करके आएगा जो पार्ट रहेगा उसको आप यहाँ पे हटा लीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों, अभी आपको अपना वीडियो को एडजस्ट करना है। उसके लिए गाइस कुछ इस तरह डबल फिंगर की हेल्प से अपना वीडियो को यहाँ पर कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना होगा। करने के बाद दोस्तों, अभी आपको इस वाले वीडियो का जो स्पीड है आपको इंक्रीज करना है। उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन में जाके नॉर्मल का सिलेक्ट करके कुछ इस तरह 2x आप यहाँ पर कर दीजिएगा। करने के बाद गाइस, अभी आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर म्यूट कीजिएगा। म्यूट करने के बाद गाइस, अभी आपको इसमें ऑडियो को ऐड करना होगा। उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पे ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाइएगा। इस वाले ऑप्शन में जाके आपको दोस्तों इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक देके रखा है, आपको दोस्तों वहाँ से इस वाले वीडियो का डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों, आप इसको सेट जैसे करोगे तो उस वीडियो का जो ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस जगह पर म्यूजिक का जो टोन है यहाँ पे चेंज होता है। सो गाइस, ये जो वीडियो है इसका ड्यूरेशन को इतना रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पे ट्रिम करके हटा लेना होगा। लीजिए दोस्तों, आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब दोस्तों, मैं अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से इस टाइप को फॉलो करके आप इस टाइप का वीडियो बना के आप इंस्टाग्राम रील्स पर शेयर कर सकते हो। बाकी इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए, सॉरी मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और इतना रख के, वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर, मतलब 1080 वाले ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे 60fps में शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को इसमें यहाँ पे सेव कर लूंगा। वाई देवा गाइस, इंस्टाग्राम रील्स पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, आपको अगर उस वाले वीडियो का ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और इस साइड में मेरा सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख रहा होगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा, नमस्कार।